मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग, आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, एक नए दिन के साथ नई शुरुआत। आज बहुत दिनों के बाद ब्लॉग शुरू करे, क्योंकि थोड़ा सा यार रोज रोज मैं सोचती हूँ क्या बनाओ यार रोज। तो मैंने सोचा आज बना देते हैं नए ब्लॉग। सावन का महीना आ गया, तो मैंने कहा यार अभी सावन के महीने के पहला ब्लॉग तो बनता है ना, तो मैंने कहा यार चलो ब्लॉग शुरू कर देते हैं। तो अभी सुबह का काम मेरा हो गया है और अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। नाश्ता नहीं किया है, बना के रखा है, झाड़ू पोछा किया और नहा धो के उसके बाद पहले थोड़ा पूजा वूजा करके, मम्मी ने पूजा करी, अब नाश्ता करेंगे। और गाइस सावन का महीना लग गया, ना मेहंदी लगाई है ना चूड़ियां पहनी है, तो शायद हो सकता है चूड़ियां पहनने भी चले जाए, क्योंकि बोलते हैं कि सावन के महीने में सुहागनों को मेहंदी जरूर लगानी चाहिए और हरी चूड़ियां भी जरूर पहननी चाहिए। तो हो सकता है कि आज चले जाए, क्योंकि पिछले हफ्ते में इतनी बारिश हुई है ना, बाहर इतना कीचड़ हो जाता है क्योंकि यहाँ पे पानी पानी हो जाता है जगह जगह, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो हो सकता है आज चले जाए, और जो भी दिन भर करेंगे वो मैं आपको बता ही दूंगी। तो नारी 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 सदे नाल आओगे तो, अरे नहीं नहीं, सदे नाल आओगे तो ऐसे करोगे जिंदगी के सारे मजे कैसे करोगे। जोनी गुड मॉर्निंग तो बोल दिया कर यार, जो कि तो गंदा बच्चा हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग। नहीं बोला आज, ये पता नहीं क्यों इतना सुस्त सा हो रखा है। अच्छा खुजली, ये देखना पहले खुजली करो उसके बाद गुड मॉर्निंग। भाई बिना खुजली के गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगा मैं तो बहुत अच्छा बच्चा हूँ। गाइस ये देखो इधर, हेड ऑफ द फैमिली भूख के मारे गाल पिचकते हुए अभी नाश्ता नहीं हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्ञानी ध्यानी लोग हैं, पहले पूजा पाठ करके घंटी वंटी बजा के तब नाश्ता करते हैं। इसलिए तो हैप्पी सावन बोल दो जरा, हैप्पी सावन। सो गाइस अभी मैं आपको दो हमारी गली के जो स्वर कोकिला हैं उनसे मिला देती हूँ, और भी हैं बहुत सारी, लेकिन जो दो आज हमारे साथ में मौजूद है मैं पहले उनसे आपको मिला देती हूँ, और अगर पहले मिला देती हूँ उसके बाद आगे बताऊंगी, ठीक है। तो गाइस ये हमारी गली की स्वर कोकिलाएं हैं दो, अगर आपको इनसे संपर्क करना है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगी। आपको सत्संग वगैरह करवाना होगा या कुछ कीर्तन वगैरह करवाना है तो आप अपने घर पे करवा सकते हो, तो मैं नंबर दे दूंगी। और अभी मैं आपको इनका भजन भी सुनाती हूँ कि कैसा भजन करते हैं, अगर आपको भी इनसे संपर्क करना है तो वो मैं नंबर दे दूंगी नीचे। तो अभी आपको पहले भजन सुनवाते हैं। गजब बेइज्जती है। Thank you।
सॉल्यूशन है नहीं, कोल्ड ड्रिंक में ला नहीं सकती और चाय पीनी है इनको गर्मी में तो मैं पिला सकती हूँ, तो पहले मैं इनसे पूछ लेती हूँ। ठीक है तुम्हारा गोल फर्स्ट क्लास। अब आंटी बजाएगी ढोलकी और आंटी सीख रही है अभी नए नए, और ढोलकी के लिए भी कांटेक्ट करना होगा तो वो भी कर लेना आप लोग, ढोलकी भी बजाते हैं। किराया ज्यादा नहीं है, बस 10-10 रुपए में बुक हो जाते हैं। तुम दी ज्यादा किराया नहीं, बस 10-10 रुपए फ्री सेवा। सो गाइस जोक सपाट, क्योंकि सावन का महीना है तो घर पे 2 भजन अगर हो सके तो क्या करे, खाली टाइम में सोने से अच्छा है कि 2 भजन कर दे। क्या बोलती पब्लिक, करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए ना, भगवान का नाम लेना चाहिए है ना, सत बुद्धि के साथ। बहुत तेज हो रहा है साल। सो गाइज यहाँ पे शौर्य स्कूल से आ गया था, स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर वो सो गया था, सोने के बाद मैं उसके साथ से ऊपर आ गई थी, तो वो अकेले सोता नहीं है, उसको एक आदमी चाहिए अपने साथ सोने के लिए, तो थोड़ी देर ही सोया, आधा घंटा सोया था, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई, तो आके फिर मेरी गोदी में लेट गया, कह रहा मेरे को सुला दो। अब तो कहीं जाए, होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, मार्केट गया नहीं।